अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ये ट्रस की एग्जांपल देखने जा रहे हैं। आज हम तो ये हम ग्रिड सैप का यूज़ करते हुए इसको एनालाइज भी करेंगे और इसका डिज़ाइन भी करेंगे। देखेंगे क्या है ये पास होता है स्ट्रक्चर या फेल होता है। ठीक है, तो इसको एनालाइज करेंगे। यही लोड लगे होंगे तो इस तरह हमें यहाँ पे हमें दो तरह के ग्रिड बनाने होंगे। यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट होगा वो इस तरह होगा कुछ। और सैप में हम मैं आपको बता दूं कि ये मॉडलिंग पहले की जाती है, फिर उसकी एनालाइजिंग होती है, फिर उसके बाद डिज़ाइन होता है उसका, और डिज़ाइन के बाद उसका रिजल्ट होता है कि डिज़ाइन हमारा पास हो रहा है या फेल हो रहा है। अगर फेल हो रहा होगा तो फिर वो उसकी करेक्शन भी वो बताएगा कि किस में आप करें तो आपका डिज़ाइन ओके हो जाएगा। तो ये डिज़ाइनिंग भी फुलफिल हो जाती है इसमें सैप में। और उसके बाद इसमें आ जाती है डिफ्लेक्शन, तो इसमें डिफ्लेक्शन भी वो बता देता है स्ट्रक्चर की। तो टोटल एनालाइज और डिज़ाइन के लिए ये सैप यूज़ किया जाता है। तो आज जो हम एग्जांपल ये देखने जा रहे हैं इसके लिए जो प्रोसीजर यूज़ होगा वो होगा मॉडलिंग। पहले हम मॉडलिंग करेंगे, उसमें ग्रिड बनाएंगे, उसके बाद ग्रिड के बाद डिफाइन मटेरियल करेंगे, मटेरियल के बाद उसको ड्रा करेंगे, उसके बाद सपोर्ट सप्लाई करने के बाद लोड असाइन करेंगे, लोड देने के बाद उसको एनालाइज और रन करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट पे उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा देख लेंगे प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें मॉडलिंग जो करेंगे हम वो उसमें एक्स के डायरेक्शन एक एक्स लेंगे और एक वर्टिकल जो डायरेक्शन लेंगे वो हम जी लेंगे। तो इसमें एक्स की डायरेक्शन में कितने ग्रिड्स आएंगी, 1 2 3 4 5, 5 ग्रिड एक्स डायरेक्शन में आएंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि जी में कितनी आएंगी ग्रिड, 1 2। वर्टिकल जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन में ग्रिड परपेंडिकुलर आती है उस डायरेक्शन के, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ग्रिड आएगी जो कि 2 होंगी, और इनके दरमियान की स्पेसिंग ये 10 मीटर कर लें। ठीक है, तो 10 मीटर होगी इसकी हाइट। तो हम देखते हैं इसमें ड्राई कर लेते हैं। तो अब हम इसमें देख न्यू मॉडल की तरफ चलते हैं, और इसमें सिंपली हम ग्रिड को भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें मॉडलिंग करनी है खुद से, या ब्लैंक को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले यूनिट सेट कर लेंगे, किलो न्यूटन में ही आ गया, किलो न्यूटन पर मीटर में आ गया। ब्लैंक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक लेता हूँ मैं। इसमें राइट क्लिक करते हैं, एडिट ग्रिड डाटा में जाते हैं, और ये मेरा जो है नेम मैंने दिया हुआ ग्लोबल के नाम से, जो ग्रिड डाटा पहला उसको मैं ग्रिड ग्लोबल ग्लोबल का नाम दे रहा हूँ। और मॉडिफाई शो सिस्टम करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ ग्लोबल को, ठीक है, जिसका नाम ग्लोबल है सिस्टम का। इसमें क्यूब तरीका भी मैं ले सकता हूँ कि फ़ौरन से बन जाए, तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ और इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट इसको पहले यूज़ कर लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मुझे 5 ग्रिड लाइन्स चाहिए थी और वाई डायरेक्शन में मुझे 0, क्योंकि थर्ड डायमेंशन जो है जी जो है वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें मुझे 2 चाहिए थे ग्रिड लाइन, और इनके दरमियान की स्पेसिंग एक्स डायरेक्शन में जो थी वो स्पेसिंग 3 कर लें यूजली अभी, और जी डायरेक्शन में मुझे स्पेसिंग चाहिए वो 10 मीटर कर लें। ठीक, तो ये डाटा आ गया यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, और इनके दरमियान की स्पेसिंग आप कर सकते हैं पहले 2 के दरमियान 3 है, फिर उसके बाद यहाँ 5 हो जाती है 2 ऐड होके, उसके बाद इसी तरह 7 हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगी। ये इसकी टोटल डायमेंशनिंग आ गई, और ये इसको मैं कर देता हूँ फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसको ये चीज़ हमें नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है ग्रिड बन के आ गई है, तो इसको हम अपने जेड एक्स में देख लेते हैं, एक्स जेड एक्सिस में। अब इसमें हमें करना है क्या, डिफाइन मटेरियल करना है। मटेरियल इसमें हम ये कंक्रीट इसने की हुई है, अगर आपको न्यू मटेरियल चाहिए बनाना है ऐड न्यू मटेरियल में जाएंगे, यहाँ पे स्टील सेलेक्ट है, स्टील बार अगर एक्चुअली हमें यहाँ पे ट्रस बनानी है तो ट्रस के लिए हमें स्टील का यहाँ पे सेक्शन चाहिए, तो इसलिए हम स्टील सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कंक्रीट चाहिए होती तो ये एक्चुअली मटेरियल डिफाइन करने का मतलब ये है कि मटेरियल हम ले अपने समझ लें साइड से पे ला रहे हैं ख़रीद के, ठीक है। तो पहले से हम ये डिफाइन
डिफाइन कर देते हैं कि ये मटेरियल हमें चाहिए, वो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब स्टील हमें यहाँ पे चाहिए तो हम स्टील सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें कंक्रीट चाहिए होती कंक्रीट सेलेक्ट करते, एलुमिनियम चाहिए होती एलुमिनियम करते, या फिर हमें स्टील बार जो रीबार कहते हैं जो कि कंक्रीट के अंदर आता है, रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं, ये रीबार वो है, ठीक है। और यहाँ पे प्री स्ट्रेस अगर हमें बीम बनानी होती तो टेंडन हम वो यूज़ करते हैं, यहाँ पे टेंडन उस लिए है, ठीक है, उसके लिए। तो अब हमें यहाँ पे स्टील चाहिए, स्टील सेक्शन, तो स्टील सेक्शन में हमें स्टैंडर्ड यही वाला हम यूज़ कर लेते हैं, ग्रेड 50 का यूज़ कर लेते हैं स्टील, ठीक है, ओके हो गया। तो ये स्टील हमें हमारे पास डिफाइंड हो गया मटेरियल, ये मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी लिस्ट के अंदर आ गया, ये किसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। 40 PSI ये क्या है हमारा, ये कंक्रीट का है, ठीक है, ये देखिए मटेरियल टाइप कंक्रीट, इसमें इसकी मॉडुलर वेलोसिटी आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, जो है अगर आपको स्पेसिफाई किया हुआ है क्वेश्चन में आप पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसी तरह ये हमें अब यहाँ पे स्टील चाहिए था सिर्फ, चूँकि हमें स्टील हमारे पास आ गया, ओके करते हैं, डिफाइन हो गया मटेरियल। अब इसके बाद मटेरियल को लगाना है हमें, किस तरह लगाना है, जिस तरह हमें वो एग्जाम्पल की कीमत थी प्लस की, उसी तरह हम करेंगे। तो अब यहाँ से ये चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से आप ड्रा कर सकते हैं सिंपली कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा लेफ़्ट क्लिक करके आगे मूव करेंगे इस तरह, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ, तो ये आपके पास बन गया, यहाँ से यहाँ ये ट्रस बन गई है सिंपली। अब आपका ये काम ख़त्म हो गया, ये आपने क्या ये वहाँ पे स्टील फ्रेम पुट किया सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन नंबर है जो आपने पुट किया यहाँ पे ड्रा किया। मोमेंट रिलीज कंटिन्यूस जो है स्टील है फ्रेम सेक्शन है, ये आपका कंटिन्यूस है यहाँ पे। तो ये सारा हमने बना दिया ट्रस, अब इसके बाद लोड अप्लाई करना है और सिंपली इसको एनालाइज करना है। डिस्टेंस यहाँ पर 2 मीटर 3 मीटर और यहाँ पर 2 मीटर सेम बना है। अब हमें कौन से फ्रेम पर लोड अप्लाई करना है, एक इधर और एक इधर, तो हमें पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये पहले हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इधर क्लिक करके ख़त्म हो गया। अब फ्रेम सिलेक्ट करेंगे हम, फ्रेम नंबर, एक्चुअली हमें यहाँ से गलती से 2 बन गए थे फ्रेम, एक पूरा बना यहाँ से यहाँ तक और एक एक ये हाफ बना है, तो इसको हम अनसिलेक्ट करते हैं, एस्केप दबा के, और इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, असाइन करना है इस पर लोड, तो ये फ्रेम है, फ्रेम पे लोड अप्लाई होगा, कौन सा पॉइंट लोड है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन लोड नहीं है, पॉइंट लोड है, ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी फोर्स है, डेड लोड है। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से भी यहाँ पे भी लाइव इसको लिख सकते हैं, या फिर एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ कि उसमें आप उसका फैक्टर डेड का 0 कर देंगे, तो 0 से फैक्टर 0 मल्टीप्लाई होगा जब डेड लोड के साथ, तो सेल्फ वेट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता स्ट्रक्चर एनालिसिस में सेल्फ वेट नहीं लिया जाता, तो डेड लोड नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लाइव लोड ऐड करेंगे, ठीक हो गया, लोड पैटर्न में या लाइव लोड ऐड करेंगे, और ओके ऐड न्यू लोड पैटर्न। अब इसमें देख लें आप, ये डेड लोड जो है यहाँ पे 0 का मल्टीपल होना चाहिए इसका, ठीक है, बल्कि डेड को आप डिलीट ही कर दें क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब ये लाइव लोड का जो फैक्टर है ये 1 कर दें या 1.5 कर दें, लाइव लोड का आप कितना फैक्टर रखना चाहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये वो है, ठीक है, कि कितने वैल्यू से मल्टीप्लाई हो, तो ये 1 आ गया। ये वाला पहले वाला डिलीट कर देते हैं, ये आपके सामने लाइव लोड ऐड हो गया, मल्टीप्लाई 1 है, ओके करते हैं, ये लाइव लोड ऐड हो गया। यहाँ पर आपने अब लोड कितना अप्लाई करना है, तो ये 0 डिस्टेंस पे कितना लोड अप्लाई होगा इस फ्रेम पे, यहाँ पे 5 किलोन्यूटन, ठीक है, ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस कर लें आप। तो उसके बाद कितने डिस्टेंस के बाद, 2 मीटर के बाद 10 किलोन्यूटन लोड अप्लाई होगा 2 मीटर पे, फिर उसके बाद अगला 2 मीटर पे ही होगा, ये यहाँ पे 10 किलोन्यूटन होगा, उसके बाद 5 किलोन्यूटन होगा, ओके, ये लोड अप्लाई हो गए, यहाँ पर लोड रह गया आई थिंक, तो इसको सिलेक्ट करें इस जॉइंट पे, असाइन लोड, जॉइंट पे लोड है, फोर्स लगेगी और ये डाउनवर्ड लगेगी। तो यहाँ पे आप एक्स डायरेक्शन में, ये जी डायरेक्शन में आएगा लोड, कितना आएगा -5, -5 कर देंगे इसको,
तो ये आ जाएगा ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, यानी कि पिछले लोड पे ये लगे रहेंगे और ये भी ऐड लगेगा इस पे। तो ये लग गया, ये इस पे आई थिंक मिट गया है। साइन करते हैं जो डॉट फोर और इस पे -10। इस पे 5 कर, ठीक हो गया, लोड अप्लाई हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपने एनालाइज करना है इसको। सिंपल इसका एनालाइज की तरफ जाते हैं आप, सॉरी स्पोर्ट रह गई इसकी, स्पोर्ट्स रह गई। स्पोर्ट्स में हम क्या करेंगे, जॉइंट्स हैं जॉइंट्स पर इसके हैं लेंगे। ये हिंज दे रहा हूँ मैं, हिंज दे दिया मैंने स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद लोड साइन हो गया था, यहाँ पे ये लोड अप्लाई हुए हुए थे, ये एक्चुअली लोड अप्लाई हुए हैं, शो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है सर इसे के सॉफ्टवेयर में। तो उसी तरह आप एक्चुअली लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एनालाइज की तरफ चलना है। तो एनालाइज एनालिसिस में जाएंगे, इसमें आप देख लें जो जो आपको चाहिए। ये लाइव लोड हम दो जो ऐड हुए थे, इनमें से एक, ये दो तो नहीं यूज़ होंगे। अब इसमें जो रन करने हैं आपने, वो सिर्फ है सिर्फ एक लाइव लोड रन करना है यहाँ पर, ठीक हो गया। ये रन होगा, बाकी सारे डोंट रन होंगे, क्योंकि डेड लोड तो कंसीडर नहीं करते, सिर्फ लाइव लोड कंसीडर करेंगे जो हमने पुट किया, और ये हमारे गलती से जो हमारे ऐड हो गए थे लोड, ये इसलिए हम तो रन नाउ करेंगे इस पर। ये रन होगा सिंपल, तो ये इसका रन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब आपने ये रन होने के बाद आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म शेप देख सकते हैं आप इसकी, ठीक है, रिएक्शन क्या क्या आएंगे। एक्चुअली इस पर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर वर्टिकल लोड जो है वो नहीं लगे हुए। तो वो लोड आप लगा लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोड नहीं लग रहे, लोड लगते हैं तो फिर स्पोर्ट्स ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह ये देख लेंगे, इसके यहाँ से ये जॉइंट्स रिएक्शन आ जाएंगे। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास शेयर फोर्स आ जाएंगे और मूवमेंट पेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। कोई नहीं आ रही तो कोई इस पर फोर लोड ही नहीं है, तो फिर कोई स्ट्रेसिस नहीं आएंगी, तो इस तरह ये नहीं है। लेकिन इसमें डिज़ाइन अगर आपने करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए आप डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। डिज़ाइन कौन सा करने जा रहे हैं, आपने सिर्फ स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है आपका, तो आप ये वाला डिज़ाइन करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपके पास आ जाएगा स्टार्ट डिज़ाइन चेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये डिज़ाइन खुद ब खुद करेगा और स्ट्रक्चर को बता देगा कि कौन सा फेल है, कौन सा स्ट्रक्चर पास है। तो ये देखें, ये मिनिमम स्ट्रेसेस में रेंज में सारे इसके ये मेम्बर सारे मिनिमम रेंज स्ट्रेसेस में आ रही हैं। अगर ये मैक्सिमम इसमें आती, कोई मेंबर भी इसमें आ जाता अगर, तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस में आती तो वो फेल हो जाता स्ट्रक्चर। तो उसको पास करने के लिए ये यहाँ पे प्रोसीजर बताते हैं उसके, ठीक है। उसमें यहीं पे उसके विंडो में आ जाता है यहाँ पे, ये देखें वेरीफाई एनालिसिस वर्सेस डिज़ाइन। अब इसमें एनालाइज और डिज़ाइन को दोनों को वेरीफाई करके बताएगा कि मेम्बर पास हुए हैं। ये देखें ऑल स्टील फ्रेम पास चेक, यानी कि चेक सारे ओके हो गए हैं, इसमें डिज़ाइन हमारा ओके है, तो ये लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप इसका रद्द बदल करेंगे कुछ ना कुछ इसके मटेरियल में, ठीक है, तो इसका डिज़ाइन ओके हो जाएगा। तो ये दूसरा चेक है, यहाँ पे ऑल मेंबर पास हो गए हैं, दूसरा मेंबर चेक नहीं है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल एनालाइज एंड डिज़ाइन सेक्शन मैच ऑल द स्टील फ्रेम्स, ओके, डिज़ाइन भी हमारा यहाँ पर ओके हो गया, ऑल चेक्स ओके। तो ये डिज़ाइन सिंपल सा फार्मूला होता है कि ये वाले मेंबर हमने यूज़ किए, ठीक है, इस ये वाले ये जो नाम लिखा हुआ है, तो ये मेंबर हमने हर जगह यूज़ किया, और ये वाला फ्रेम जो स्ट्रक्चर ट्रस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर है ये हमारा ओके हो गया। तो ये एनालाइज भी हो गया, डिज़ाइन भी हो गया।